Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani and we are studying our worksheets. है ना, तो 12 worksheets हम कर चुके हैं. आज की हमारी worksheet है Surface Chemistry, worksheet number 13. ठीक है, तो start करते हैं बच्चों फटाफट. चलो तो जल्दी जल्दी questions करने हैं. Actually theory questions है ना, तो कितना भी जल्दी करोगे तो chapter ही theory है, तो थोड़ा time लग जाएगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेन व्हाई कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलॉइडल सॉल्यूशन आर गुड एट डिसॉल्वमेंट. तो बच्चों कोलॉइडल पार्टिकल्स बहुत अच्छे एट डिसॉल्वमेंट होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को क्या करते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं. क्यों? कोलॉइडल साइज़ के पार्टिकल्स. तो हम कहेंगे भाई कोलॉइडल साइज़ का जो पार्टिकल्स है उसका सरफेस एरिया, सरफेस बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो बहुत अच्छे क्या होते हैं, एट डिसॉल्वमेंट. तो बच्चों मैं आंसर शॉर्ट में लिखूंगी, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है. ठीक है, तो आपको लिखना है एज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया. ठीक है, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया दे आर वेरी गुड एड्सॉर्बेंट. ठीक है, तो पहला आंसर तो हो गया बच्चों कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए ये गुड एड्सॉर्बेंट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ कॉलोइड इज चीज. अभी देखो चीज मतलब पनीर मान के चलो उसको. ठीक है, तो हम कहेंगे भाई चीज तो अपियरेंस कैसा है, तो मैं अपियरेंस तो सॉलिड है लेकिन एकदम भी सॉलिड हार्ड स्टोन लाइक तो नहीं है, सॉफ्टनेस है. तो बच्चों जो अपीयरेंस होता है दैट इज डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है, और उसके अंदर क्या है, जैसे केक होता तो भाई केक अपीयरेंस में तो सॉलिड मान सकते लेकिन बीच में क्या है, फ्लफीनेस है, तो मैं मान लेती थी उसमें गैस है. लेकिन चीज़ तो पनीर को दबाओ तो एकदम से पानी निकलता है. ठीक है, तो वही सोच के करना है ना, चीज़ को भी वही सोच के सॉल्व करना है. तो हम कहेंगे भाई मीडियम जो है, अपीयरेंस जो है वो तो है सॉलिड लेकिन जो फेज है वो है लिक्विड. तो यहाँ आपको लिखना है इन चीज डिस्पर्स्ड फेज. तो बच्चों डिस्पर्स्ड फेज जो होगी दैट विल बी लिक्विड. ठीक है, और डिस्पर्जन मीडियम जो होगा दैट विल बी सॉलिड. हो सकता है गूगल प्लेस को चेक करो बच्चों तो तुम्हें थोड़ा आंसर चेंज मिले, बट मैंने काफ़ी स्टडी किया है तो जो मैं बता रही हूँ वो करेक्ट है. सो डिस्पर्जन मीडियम विल बी सॉलिड. क्लियर, कोई डाउट नहीं, चीज़ का डीपी और डीएम क्लियर है ना. आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एग्जिबिट स्टिंडल इफेक्ट, गिव टू रीजंस. तो भाई कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्यों, तो हम कहेंगे भाई एक तो कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को बिखेर देते है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते, उसे ही तो हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट. लेकिन बिखेरते हैं उस घटना को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, तो स्कैटरिंग तो मस्ट है. ठीक है, तो बच्चों हम लिखेंगे कोलॉइडल पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट. कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स, जो भी कोलॉइडल साइज का पार्टिकल होगा वो लाइट की स्कैटरिंग करेगा. ठीक है, तो कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स स्कैटर द लाइट. ठीक है भाई, एक रीजन तो ये हो गया है ना. अब देखो पूरा आंसर नहीं लिख रही हूं, आपको लिखना है दे शो टिंडल इफेक्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. तो पहला रीजन हो गया कि भाई ये लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं. दूसरा रीजन, तो बच्चों कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स है ना, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है, इस वजह से भी ये क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. तो आपको क्या लिखना है कि ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स मतलब मैं लिख दूं डीपी एंड डीएम लिख देते, तो ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी एंड डीएक्स डीएम सॉरी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम. ठीक है भाई, तो ये दो रीजन हो गए. एक और रीजन लिख सकते हैं बच्चों कि स्कैटरिंग करते ही क्यों है. तो देखो होता क्या है कि ये तो हो गए आपके कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स. ठीक है, ये हो गई आपकी लाइट है ना. तो बच्चों जो लाइट का वेवलेंथ है और ये पार्टिकल का जो साइज है, ये इनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है.
है ना, मतलब ये दूरी और ये साइज ये लगभग बराबर होती है, तो ये क्या करते हैं लाइट को बिखेर देते हैं, सीधी नहीं जा पाती लाइट, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, ये साइज छोटा होता है, तो लाइट आराम से क्या करती है, इसको क्रॉस करके निकल जाती है, लेकिन ये क्या करते हैं, इसको फैला देते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं बच्चों स्कैटरिंग। तो दो रीज़न लिखने थे आपको कि भाई कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट क्यों शो करते हैं। तो पहला तो हमने लिख दिया कि भाई एक तो उनकी सरफेस से क्या हो जाती है, लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, और दूसरा क्या लिखोगे बच्चों, तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई एलम इज यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड ऑफ द बॉडी। तो बच्चों घाव जो होता है, मतलब ना कहीं लग जाए, कट लग जाए, तो हम क्या करते हैं कि घाव या खून रोकते हैं, खून रोकने के लिए हम क्या करते हैं एलम लगा लेते हैं, फिटकरी लगा लेते हैं। तो ऐसा क्यों? तो बच्चों आपको आंसर क्या लिखना है कि ब्लड जो है, सबसे पहले तो मैं लिख दूं, वी नो दैट ब्लड इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोइडल फॉर्म में मान लेते हैं कौन सा, तो ब्लड इज अ नेगेटिव कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों ब्लड को कोएगुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो व्हेन एलम इज अप्लाइड ऑन वुंड, ठीक है, देन ब्लड एडजॉर्ब्स पॉजिटिव आयन, ब्लड एडजॉर्ब्स पॉजिटिव आयन। कौन सा पॉजिटिव आयन? तो हम कहेंगे कि एलम में से ये Al+3 आयन को क्या करेगा, अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एंड तो बच्चों एंड बिकम्स न्यूट्रल, है ना। तो आपने पढ़ा है कि कोलोइडल सॉल्यूशन चार्ज्ड होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं, लेकिन उनका जो भी चार्ज है अगर उनको ऑपोजिट चार्ज मिल जाए तो उसको खट पकड़ लेते, न्यूट्रल हो जाते। अब भारी है तो सेटल डाउन हो जाएगा, हल्का है तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं, कोएगुलेशन। तो हमें तो ब्लड का कोएगुलेशन करना ही था। ठीक है, तो हम कहेंगे एंड इट बिकम्स न्यूट्रल एंड गेट्स कोएगुलेटेड। ठीक है, तो बच्चों टू स्टॉप ब्लीडिंग क्या होता है, तो हम कहेंगे भाई ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, एलम का यूज करते हैं, FeCl3 का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज मीन्ट बाय मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड। अब नाम देखो, मल्टी मतलब बहुत सारे, मॉलिक्यूलर है ना, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में अगर जुड़ जाए, कोलोइडल साइज में आ जाए, तो ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड्स। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, तो आप बताएंगे व्हेन पार्टिकल्स ऑफ साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर जुड़ जाएंगे तो बच्चों एग्रीगेट्स टुगेदर टू फॉर्म कोलोइडल साइज पार्टिकल्स, टू फॉर्म कोलोइडल साइज पार्टिकल्स, देन सच कोलोइड्स आर कॉल्ड। तो बच्चों छोटे छोटे पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है वो मिक्स हो गए और कोलोइडल साइज में आ गए, तो फिर ऐसे पार्टिकल को या ऐसे कोलोइड को सच कोलोइड्स आर कॉल्ड मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। ठीक, सच कोलोइड्स आर कॉल्ड मल्टी, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। अब बच्चों जो भी मेटल सॉल्ट होगा, तो मेटल का एटम तो बहुत छोटा होगा, 1 नैनोमीटर से छोटा है, बहुत सारे मेटल के एटम्स पास में आ गए, कोलोइडल साइज में कन्वर्ट हो गए, तो फिर वो क्या बना देगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, ठीक है, गोल्ड सॉल है ना, सिल्वर सॉल, P4 है, SH है, ये सब क्या है, तो हम कहेंगे ये सब मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं जनरली कि भाई एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंसेस बता दो।
तो क्या लिखेंगे? तो भी एडसॉर्प्शन सरफेस पे होने वाली घटना है, सर्फेशियल फिनोमिनन, और एब्जॉर्प्शन तो वो तो थ्रू आउट बॉडी होता है, यानी बल्क फिनोमिनन। तो आपको सबसे अच्छा डिफरेंस लिखना है कि दिस इज सर्फेशियल फिनोमिनन, पूरा आपको लिखना है बच्चों, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। सो दिस इज सर्फेशियल फिनोमिनन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन में क्या लिखना है बच्चों? सो इट इज बल्क फिनोमिनन, ठीक है। ज्यादा डिफरेंसेस पूछे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट अकर्स ओनली सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट, और वो कहाँ होता है? तो इट अकर्स थ्रू आउट द बॉडी। अब एडसॉर्प्शन, तो बच्चों शुरू में तो एडसॉर्प्शन फास्ट होता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन तो वो तो एक ही स्पीड से होता है, ठीक है। तो एडसॉर्प्शन में आपको क्या लिखना है? इनिशियली एडसॉर्प्शन इज रैपिड, या एडसॉर्प्शन प्रोसीड विद रैपिडली, या प्रोसीड रैपिडली, ठीक है, प्रोसीड रैपिडली, बट आफ्टर दैट, आफ्टर दैट इट स्लोज डाउन, ठीक है। तो भाई शुरू में तो फास्ट होता है, बाद में इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नाउ एब्जॉर्प्शन, तो बच्चों ये तो एक ही स्पीड से होता है, तो इट प्रोसीड विद यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। तो बच्चों अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर ले, है ना, स्पीड तेज रखना लिखने की, फटाफट लिखो, इट प्रोसीड विद यूनिफॉर्म रेट। क्लियर, सिंपल है ये भी क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ विच एडसॉर्बेंट इज यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, तो बच्चों वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा क्या बोलते हैं एडसॉर्बेंट काम में लेंगे? तो भाई वाटर हार्डनेस मतलब खारे पानी को मीठा पानी बनाना है, तो हम कहेंगे कि भाई ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक पॉलीमर हो जिसके पास COH है ना, SO3H या NH2। अब तुम्हें याद हो तो क्लास 11th में तुमने एक मेथड पढ़ा होगा, आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए। एक तो था परम्यूटेड मेथड, दूसरा था आयन एक्सचेंज मेथड। तो उसमें क्या करते थे कि भाई हार्ड वाटर मतलब उसमें इम्प्योरिटी है, उसमें आयन्स है ना, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, ठीक है, तो कैटायन भी है, एनायन भी है। तो हम क्या करते थे, आयन एक्सचेंज मेथड में दो कंटेनर थे, तो पहले में कैटायन को एक्सचेंज करते थे, ठीक है, और फिर दूसरे में एनायन एक्सचेंज करते थे। तो हार्डनेस का जो कैटायन है उसकी जगह जो एसिडिक ग्रुप था वो HIN दे देता था, है ना, और दूसरा जो कंटेनर था वो बेसिक ग्रुप था तो वो अपनी तरफ से OHIN देता था और माइनस खुद रख लेता था। तो पानी में H मिलाया, OH मिलाया, मतलब न्यूट्रल हो गया, और आपने कैटायन एनायन दोनों को रख लिया, ठीक है, तो वो था आयन एक्सचेंज मेथड। अब काम में क्या लेंगे, तो बच्चों कंपाउंड या ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैविंग ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कौन सा ग्रुप होना चाहिए, तो हम कहेंगे एसिडिक में तो आप ले लो COH या SO3H, और बेसिक में ले लो NH2, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, कैन बी यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। चलो नाउ डिफाइन सॉर्प्शन, अब ये क्या है, सॉर्प्शन क्या होता है? तो बच्चों सॉर्प्शन एक हो गया एडसॉर्प्शन, एक हो गया एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों अगर मान लो कि है ना एक कॉटन स्टफ है ना, रुई का ढेला मान लो, ठीक है, अभी ये कॉटन स्टफ जो है ये अगर किसी डाई के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, हमने इस पर डाई गिराई, तो बच्चों ये डाई क्या होगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब भी होगी और इसकी सरफेस पे क्या होगी, तो हम कहेंगे एडसॉर्ब भी होगी। तो भाई यहां तो मुझे लग रहा है एडसॉर्प्शन हो रहा है, और यहां मुझे क्या लग रहा है, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो भाई दोनों ही हो रहा है। तो जब एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो, या मैं कहती हूं दोनों ही हो रहे हैं साथ साथ में, साइमल्टेनियसली प्रोसीड हो रहा है, तो उस घटना को क्या बोलेंगे, उस घटना को बोलेंगे सॉर्प्शन, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, When adsorption and absorption
when adsorption and absorption takes place simultaneously. ठीक है, takes place simultaneously means they are indistinguishable. ठीक है, हम differentiate नहीं कर सकते उसको, they are indistinguishable. Then this phenomenon is called, क्या बोलेंगे इस फिनोमिनन को, सॉर्प्शन. कोई एग्जांपल दो. तो बच्चों व्हेन डाई कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कॉटन स्टफ, तो ये एग्जांपल हो जाएगा सॉर्प्शन. ठीक है, चलो नाउ डिफाइन गोल्ड नंबर. तो भाई गोल्ड नंबर क्या होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे लायोफोबिक सॉल है उससे प्रोटेक्ट करना है, तो आप कहोगे लायोफिलिक मिला दो. तो बच्चों लायोफोबिक सॉल को प्रोटेक्ट करना है किससे, इलेक्ट्रोलाइट से. तो मैं कितना लायोफिलिक मिलाऊंगी, है ना, उसका अमाउंट ड्राई स्टेट में और मिलीग्राम में, उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, गोल्ड नंबर. अब फोबिक सॉल, तो मैं एग्जांपल ले लूंगी गोल्ड सॉल, किससे प्रोटेक्ट करना है, इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं ले लूंगी NaCl, है ना. अब जो भी मैं लायोफिलिक सॉल मिलाऊंगी दैट विल बी गोल्ड नंबर. कितना मिलाओगे वो हो जाएगा गोल्ड नंबर. तो डेफिनेशन सोचो क्या लेना है, तो हम कहेंगे भाई हमें लेना है गोल्ड गोल्ड सॉल्ट. ठीक है, तो डेफिनेशन लिखे हम, अमाउंट ऑफ गोल्ड नंबर होता क्या है, तो हम कहेंगे भाई लायोफिलिक सॉल्ट का अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम. ठीक है, और ड्राई स्टेट. ठीक है, तो भाई अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम एंड इन ड्राई स्टेट. ठीक है, टू प्रोटेक्ट, किसे प्रोटेक्ट करना है, तो मैं कहूंगी गोल्ड. अच्छा कितना, तो बच्चों 10 ml गोल्ड सॉल्ट. ठीक है, तो टू प्रोटेक्ट 10 ml गोल्ड सॉल्ट. ठीक है, अब टू प्रोटेक्ट 10 ml गोल्ड सॉल्ट. ठीक है भाई, तो गोल्ड सॉल्ट को तो प्रोटेक्ट कर लोगे, किससे प्रोटेक्ट करना है, तो हम कहेंगे NaCl. कितना NaCl, तो 10 ml गोल्ड सॉल्ट फ्रॉम, कितना, तो मैं कहूंगी 1 ml ले, 1 ml ऑफ 10% NaCl. ठीक है, NaCl सॉल्यूशन बनाना है, तो 1 ml ऑफ 10% NaCl, ठीक है, इज कॉल्ड गोल्ड नंबर. क्लियर, तो ले देखिए लायोफिलिक सॉल का अमाउंट जो फोबिक को प्रोटेक्ट करे इलेक्ट्रोलाइट से, उसे हम क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस इज मोर इफेक्टिव, आर मोर इफेक्टिव एट डिसॉल्वेंट. तो बच्चों आप ही खुद ही तो कह रहे हो फाइनली डिवाइडेड, तो फाइनली डिवाइडेड मतलब सर्फेस बड़ी हो जाएगी, तो जितनी ज्यादा सर्फेस हो जाएगी उतना ज्यादा क्या होगा, एट डिसॉल्वेंट, क्योंकि एड्सॉर्प्शन तो सर्फेशियल फिनोमिनन है. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, सीधा लिख दो कि बिकॉज दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, दे हैव लार्ज सरफेस एरिया, सो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल बी मोर, है ना, ज्यादा बड़ी सरफेस होगी तो एड्सॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन will be more. ठीक है, तो जितना ज्यादा adsorption होगा उतने ज्यादा क्या होंगे, वो effective adsorbent होंगे. Simple. चलो now what is purple of caseous या caseous of purple, तो बच्चों ये होता है gold salt, है ना, caseous of purple क्या होता है, gold salt. तो बनता कैसे है, तो हम कहेंगे when gold salt is treated with tin chloride, SnCl2, it forms gold salt. ठीक है, तो purple pigment है ना, color उसका purple है, जिससे हम क्या कह रहे हैं, तो which is called caseous of purple. ठीक है, अब बच्चों कोई पूछ ले भाई use क्या है,
तो देखो गोल्ड सॉल जो है वो ग्लास को रेड पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है ना, और प्रेजेंस ऑफ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है या नहीं है तो प्रेजेंस ऑफ गोल्ड भी इससे पता किया जा सकता है, तो इसे हम कहते हैं केसियस ऑफ पर्पल, ठीक है, बनता कैसे है ये तो क्लियर है ना, ग्लास को क्या करता है रेड कलरेशन जो है वो इम्पार्ट करता है ना, और इट इज डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड एज केमिकल टेस्ट. नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलर. तो बच्चों लायोफिलिक और फोबिक, फिलिक मतलब फेज और मीडियम में अट्रैक्शन, और फोबिक मतलब दोनों के बीच में रिपल्शन. अब बच्चों हुआ क्या कि जो आसानी से बन जाए वो फिलिक, और जो मुश्किल से बने वो क्या हो जाएगा फोबिक. तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई मेटल सॉल है ना, अब चाहे मेटल सल्फाइड है चाहे गोल्ड सॉल है, तो मेटल सॉल जो है वो बहुत मुश्किल से बनते हैं, सो दे आर कैटेगराइज्ड एज लायोफोबिक सॉल, ठीक, सो इट विल बी लायोफोबिक सॉल. और गम और स्टार्च, तो बच्चों ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो गम एंड स्टार्च, तो इसे हम कंसीडर करेंगे लायोफिलिक सॉल, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फोबिक बताओ फिलिक बताओ. नाउ डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ प्लैटिनम इन वाटर डिस्पर्जन मेथड. तो बच्चों मुझे प्लैटिनम का गोल्ड सॉल बताना है, तो मेथड बताना है, तो बच्चों ये बात कर रहा है यहाँ पे ब्रेडिक आर्क मेथड. आपने पढ़ा था कि भी कॉपर का गोल्ड सॉल हो, सिल्वर का कॉपर का सॉल हो, सिल्वर का सॉल हो, प्लैटिनम का सॉल हो, तो हम बनाते हैं ब्रेडिक आर्क मेथड या इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन मेथड, ठीक है. तो थियरी चैप्टर है बच्चों, थियरी क्वेश्चन ज्यादा बने, तो इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन मेथड. अब करना क्या था, तो बच्चों जिस मेटल का सॉल बनाना है उसी का कैथोड बनाओ और उसी का एनोड बनाओ, ठीक है. तो मान लो तुम्हें तो प्लैटिनम की बात चल रही है ना यहाँ पे, तो प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स बना दो, ठीक है. अब बच्चों को थियरी लिखने में बहुत दिक्कत आती है, थियरी याद नहीं होती, तो याद क्या करना, पहली लाइन मैंने क्या बोली, जिस मेटल का सॉल बनाना चाहते हो उसी के इलेक्ट्रोड्स बना दो, और यहाँ वाटर वेसल में क्या कर दो, सस्पेंडेड कर दो. तो इस बात को लिख लो ना, क्या लिखेंगे, द मेटल हूज सॉल इज टू बी प्रिपेयर, द मेटल हूज सॉल इज टू बी प्रिपेयर, both electrodes are made up of that metal, that metal and suspended in water, ठीक है भाई, पानी में कंटेनर जो है पानी से भर के रखा है उसमें सस्पेंडेड कर दें, ठीक है. अब क्या करेंगे, तो बच्चों अब हम, नाम ही है इलेक्ट्रिक आर्क है ना, तो हम क्या करेंगे, यहां बनाना था इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करें, ठीक है. तो अब मैं लिख दूं, नाउ आर्क इज प्रोड्यूस्ड, उससे क्या होगा, तो भाई उससे मेटल जो है वो मेल्ट होगा है ना, अब मेल्ट होगा तो कहां है ना, यहीं आएगा. अब बच्चों ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ नहीं जाए, ठीक है, और ज्यादा ही मेल्ट हो गया तो वेपर भी बना सकता है, तो मुझे इमीडिएटली कूलिंग करनी पड़ेगी. तो मेटल जैसे ही मेल्ट हुआ और पानी के कॉन्टैक्ट में आया तो एकदम से ठंडा जरूर करना पड़ेगा, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फ्रीजिंग मिक्सचर या कूलिंग मिक्सचर, ठीक है, तो आप आइस ले सकते हो. और बच्चों मेटल सॉल जो है अभी हमने पढ़ा था लायोफोबिक होता है, तो फोबिक होता है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, तो हम लेंगे उसमें क्यूएच, ठीक है. तो ये सारी बातें आपको थ्योरी में लिखनी है कि भाई आर्क इज प्रोड्यूस करेंगे, नाउ मेटल क्या होगा, मेल्ट होगा, ठीक है ना, हीट से क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा मेटल, ठीक है, टू फॉर्म कॉलोइडल साइज पार्टिकल, टू फॉर्म कॉलोइडल साइज पार्टिकल्स क्या यूज करना चाहिए हमें,
तो टू फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल कूलिंग मिक्सचर इज यूज्ड, ठीक है, उसको इमिडिएटली कूलिंग करनी है. कूलिंग मिक्सचर इज यूज्ड एंड टू स्टेबलाइज द सॉल, ठीक है. तो बच्चों सॉल को स्टेबलाइज करने के लिए क्या लेते हैं, KOH इज यूज्ड, क्योंकि सॉल ऑलरेडी क्या है, तो बच्चों वो तो ऑलरेडी लायोफोबिक है. सो दिस इज डिस्पर्जन या इलेक्ट्रिक डिस्पर्जन मैथड या ब्रेडिंग आर्क मैथड. चाहे प्लेटिनम का सॉल हो, कॉपर का सॉल हो, सिल्वर का सॉल हो या गोल्ड का सॉल, इससे आप बना सकते हैं, ठीक है. तो आज की क्लास में बस इतना ही. अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, अगेन सरफेस केमिस्ट्री थोड़े और थियरी क्वेश्चंस के साथ. तो बच्चों थियरी है ना, लेकिन कोर्स में है तो लर्न तो करना ही. अब थोड़ा खुद रटना भारी पड़ता है, तो वर्कशीट करते चलोगे ना तो एक तो क्या होगा, सिलेबस के कॉन्टैक्ट में रहोगे, ठीक है, कि भाई हाँ इस चैप्टर में ये है, इस चैप्टर में ये है, और प्रेशर में नहीं रहोगे. मान लो भूल गए थे तो फटाक से मेथड याद आ जाए, अच्छा हाँ ऐसा डायग्राम था, ये बनाना था, ठीक है. तो कल और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चंस, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब आप क्या करेंगे, याद करेंगे, है ना, याद करेंगे, रिटन नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे और लिख के याद करने की प्रैक्टिस करेंगे, डायग्राम प्रैक्टिस करेंगे. बच्चों जितने अच्छे डायग्राम होंगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.